भगवान वाल्मीकि मंदिर, लाल कुर्ती बाजार, जालंधर कैंट में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कैंट ब्लॉक के अध्यक्ष टोनी खोसला ने अपने संगठन का निर्माण करते हुए अपनी नव नियुक्त शाखा के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री अशोक भील, टीम सदस्य बिशन दास सहोता, पवन प्रशास्ती विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर सुभाष सौंधी, वीर कमल किशोर, वीर सोनू हंस, वीर राकेश अटवाल, वीर रतनलाल सहोता, वीर प्रवीण कुमार डांग, एडवोकेट बलदेव प्रकाश अटवाल, एडवोकेट रोहित अटवाल, एडवोकेट मानव रहेला, एडवोकेट गौरव सहित सभा के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन की रिपोर्ट। जो कि पिछले दिन मेनू कैंट का अध्यक्ष चुनिया गया भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज बाबा दस वालों, जो कि साडे मुख संचालक श्री विजय दानव जी ने जो जिम्मेवारी मेनू कैंट दे विच दित्ती है उस नूं मैं पूरी इमानदारी दे नाल निभाऊंगा। ते अज मैं अपनी टीम दा धन्नवाद करदा कि जो मेरे नाल मेरे वीर खड़े आ और समाज दा असीं दिन रात काम करांगे। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की जलंधर कैंट की शाखा का अज गठन किया गया है, क्योंकि पिछले दिन वीरेश विजय दानव जी राष्ट्रीय मुख्य संचालक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज कैंट शाखा का अध्यक्ष वीर टोनी खोसला जी बना के गए थे। तो टोनी खोसला जी ने अपनी जिम्मेवारी निभाद्या होया अज पूरी समुची कैंट शाखा का गठन किया है। ये अलग अलग मोहल्ले जिन्हें भी कैंट ने उन्होंने सारिया के दो साथियों चार चार साथियों लैके गठन किया गया।